नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी जो पेपर हुआ यूपीएससी का 2019 का जो पेपर हुआ आज, उसी के बारे में, उसी पेपर को आज सॉल्व करेंगे, उसी के आंसर की के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को मिला लिया जाए। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। ठीक है, अगर आप सब लोग पास, जिनके पास ये जो है क्वेश्चन बुकलेट नहीं होगा, अगर वो चाहे तो हमसे जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452936338 पे जो है हमें मैसेज कर दे, तो हम उनको भी दे देंगे जो है, भेज देंगे क्वेश्चन को। और जिन्होंने पेपर दिया है, चलिए वो लोग आंसर इसका टैली करें। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्व के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता है, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। दूसरा, जागीरदारों के लिए किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व एकाधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसका ए विकल्प सही होगा, केवल ए। ठीक है, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। क्लियर है, ये बुकलेट नंबर ए है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिए, बुकलेट नंबर ए है। जिनका ए होगा डायरेक्ट टैली करेगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दो की बात करें, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का जो आंसर होगा वो होगा, मैं बता दूं, आपका बी होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, आप क्वेश्चन देखते जाइए, उसका आंसर मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर हो जाएगा सी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर चार का आंसर हो जाएगा ए, एक और दो दोनों। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर पांच की बात किया जाए, पांच का आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स पांच का आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। ठीक है, कहीं अगर आपको डाउट्स बनता है आंसर में तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, मानवीय त्रुटि हो सकती है, पूरा प्रयास किया गया कि त्रुटि रहित उत्तर दिया जाए आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका डी होगा, एक दो तीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सात की बात किया जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, तो इसका आंसर है सी, सोहगौरा। ठीक है, इसको आप चाहे तो वैसे भी आप यहाँ से भी कर सकते थे, दूसरा विकल्प यहाँ सोहगौरा दिया गया है। ठीक है, गेस हो सकता था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कंगनहल्ली। क्या होगा, कंगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं, तो नाइन का आंसर क्या हो जाएगा, नाइन का आंसर हो जाएगा बी, एक और दो दोनों, मतलब बुद्ध में देवात्मारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, तो इसका आंसर होगा ए, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, तो इसका आंसर होगा सी, एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, तो इसका आंसर होगा बी, एक और तीन। क्लियर, क्वेश्चन देख लिया कीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन मैं बोल नहीं रहा हूं क्योंकि बोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर होगा डी, एक दो तीन तीनों। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जिन लोगों का बुकलेट ए नहीं है वो क्वेश्चन को मिला के करेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिएगा, उस क्वेश्चन तक चले जाइएगा, फिर मिलाइएगा। ठीक है, अटल नवप्रवर्तन, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर है ए। ट्वेंटी वन का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का आंसर है सी। मिलान कर दीजिएगा, क्वेश्चन को मिलान करते रहिएगा, कहीं डाउट्स बनता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम भी उस पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यह 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो 24 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 26 इसका भी ऑप्शन होगा डी। 27 इसका आंसर होगा ए। 28 इसका ऑप्शन होगा डी। 29 की बात करें तो इसका ऑप्शन होगा सी। 29 का ऑप्शन क्या होगा, सी, मतलब 1 और 3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 30 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ए। थर्टी वन की बात करें तो 31 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी, 1 2 3 तीनों। क्वेश्चन नंबर 33 इसका ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन नंबर 35 में फ्रेंड अभी कंफ्यूजन है, इसको हम जल्दी ही जो है देख के आपको बता दिया जाएगा, नेक्स्ट वीडियोस का जब डालेंगे तो उसमें 35 नंबर वाले क्वेश्चन को जो है कर देंगे, ठीक है ना। एक्चुअली इसमें दो आंसर सही लग रहे हैं तो इसको हम बताते हैं अभी आपको, दूसरे वीडियो जब इसका पार्ट टू डालेंगे तब इसका आंसर देंगे आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 देख लिया जाए, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसका हो जाएगा आंसर बी होगा, 1 2 4। ठीक है, का जो लाल सागर पास एरिया नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, भारत चीन। क्वेश्चन नंबर 38 का जो है क्या होगा, 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 4। ठीक है, अगला 39, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा जो है, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स की बात किया कि कृषि में पीड़क नाशी। इसका ऑप्शन होगा सी, 40 का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। तो फ्रेंड्स इस पार्ट में बस हम लोग 40 क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट लेके आते हैं उसमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर कोई डाउट्स होता है फ्रेंड्स इसको निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको उसका आंसर को देखा जाएगा, ठीक है। तो
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फ्रेंड्स जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।